लर्निंग मार्केट के तनिष में आज हम अपने NISM कमोडिटी सीरीज का फोर्थ चैप्टर यूजेस ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से करना है हमें। हमने कमोडिटी फ्यूचर्स क्या होते हैं वो डिस्कस कर लिए, कमोडिटी ऑप्शंस क्या होते हैं ये डिस्कस कर लिए, बट ये जान के हम करेंगे क्या, वही इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट किसी एक अंडरलाइंग पे बेस्ड होता है। अंडरलाइंग बेस्ड होता है इसका मतलब क्या है, वो खुद का प्राइस किसी और चीज़ से डिटरमाइन करता है, उसमें कुछ एक्सपेक्टेशन डाल दिया जाता है, कुछ टाइम डाल दिया जाता है, और वो दोनों का मिक्सचर बन के बन जाता है उसका फ्यूचर या ऑप्शन ऑफ विद द अंडरलाइन। ठीक है, अब यूज करने का कमोडिटी डेरिवेटिव का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट यूज है वो है हेजिंग। दुनिया में कोई भी फ्यूचर समझाता है ना, तो सबसे पहला एग्जांपल देता है ज्वेलर का, कि ज्वेलर का गोल्ड है तो वो ऐसा करेगा वैसा करेगा, तो ये चीज़ वो होता है एक्चुअल हेज। हेज बेसिकली क्या होता है, हेजिंग मीन्स टेकिंग पोजीशन इन ए डेरिवेटिव मार्केट दैट इज ऑपोजिट ऑफ ए पोजीशन इन फिजिकल मार्केट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग लिमिटिंग रिस्क एसोसिएटेड विद द प्राइस चेंजेस। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मैं एक ज्वेलर हूँ, मेरे पास 1 kg गोल्ड का स्टॉक है, ठीक है, अगर प्राइस बढ़ता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। मुझे डर कब लगेगा, जब प्राइस गिर जाएगा। मेरे पास फिजिकल गोल्ड है, इसका मतलब क्या है, मेरा बाई पोजीशन है गोल्ड में, राइट। यहाँ क्या लिखा है, टेकिंग ऑपोजिट पोजीशन, हेज करना होगा मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसको फ्यूचर मार्केट में सेल कर दूंगा। तो होगा क्या कि जिस प्राइस पे मैंने सेल किया वो प्राइस फिक्स हो गई, प्राइस अगर नीचे जाता है तो जो डिफरेंस आएगा, चूंकि मैंने सेल किया है, जो डिफरेंस आएगा वो एक्सचेंज मुझे M2M के फॉर्म में पे कर देगा, और अगर प्राइस बढ़ जाता है तो मुझे M2M देना पड़ेगा, बट मेरा फिजिकल एसेट का वैल्यू भी तो बढ़ा होगा ना, तो वो जो फिजिकल एसेट का मेरा वैल्यू बढ़ा है, वो फिजिकल एसेट का वैल्यू बढ़ने के कारण जो डिफरेंस आया है वो मेरा प्रॉफिट आएगा फिजिकल में, और वो मैं पे कर दूंगा एक्सचेंज को टू लिमिट माई लॉसेस। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने डाउनसाइड प्रोटेक्ट कर लिया और अपसाइड भी प्रोटेक्ट कर लिया। अपसाइड में मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा प्राइस बढ़ने पे, लेकिन डाउनसाइड में मुझे लॉस भी नहीं होगा, रैदर मुझे जो पैसे आने हैं वो आ जाएंगे। सो मेरा जो भी लॉस होना था वो हेजिंग पोजीशन लेने के कारण मीट हो गया, राइट। इसको अगर नॉर्मल अगर हम कैलकुलेशन से समझे तो मैं आपको रुक के दिखाता हूँ। मान लीजिए शीट 2 पे चलते हैं, चलिए शीट 3 पे करते हैं इसको। तो मान लीजिए कि मैं ज्वेलर हूँ, मेरे पास 45,000 पर 10 ग्राम का गोल्ड है, ठीक है, कल मार्केट में प्राइस 44,000 हो गया, मुझे कितना का लॉस हो रहा है, 1,000 रुपये का, 1,000 रुपीज़ पर ग्राम। अगर ये 46 हो जाता है तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये प्रॉफिट मिलेगा, राइट। बट ऊपर जाएगा तो मुझे डर नहीं है, नीचे जाने का मुझे डर रहता है, क्यों, क्योंकि मैं ओन करता हूं एसेट को। तो मैं क्या करता हूं, मैंने एक हेज पोजीशन ले लिया, मैंने सेल कर दिया 45,000 पे, ठीक है, ये फिजिकल है, ये मैंने सेल कर दिया। अब मान लीजिए प्राइस आ गया 44,000, मैंने सेल किया था 45 में, अभी 44 चल रहा है, तो मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट ऑन सेलिंग पोजीशन 1,000, लॉस इन फिजिकल 1,000, नेट में डिफरेंस क्या आया, नेट में डिफरेंस 0, ठीक है। इसको अगर रिवर्स कर दें, मान लीजिए प्राइस यहाँ गया 46,000, प्रॉफिट ऑन सेलिंग क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, लॉस आएगा, ठीक है, बट लॉस इन फिजिकल बेसिकली यहाँ पे भी आपका प्रॉफिट आएगा, क्यों, क्योंकि आपका फिजिकल में प्राइस बढ़ गया है, तो नेट इम्पैक्ट क्या है, 0 आया। वही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है,
अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला है, रॉ मटेरियल यूज करते हैं आप, तो बेसिकली जैसे मैं गोल्ड का बोला, ज्वेलर के लिए गोल्ड रॉ मटेरियल है, वैसे ही बाकी लोगों के लिए रॉ मटेरियल होता है, तो वो उसका अपना प्राइस रिस्क को मैनेज करते हैं। अब हेजिंग इज ए टू स्टेप प्रोसेस। कैसे? आपको फिजिकल लेना है कमोडिटी स्पॉट मार्केट से एट ए फ्यूचर डेट, तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आज खरीद लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब फ्यूचर एक्सपायरी डेट पे आया तो आप डिलीवरी ले लेते हैं फ्यूचर पोजीशन से, और अगर आप फिजिकल कमोडिटी खरीदते हैं स्पॉट मार्केट से तो फ्यूचर में आप स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। ये हो गया सेकेंड स्टेप, मतलब आपने फ्यूचर में पोजीशन ले लिया, अगर आपको डिलीवरी लेनी है फ्यूचर मार्केट से तो आप फ्यूचर मार्केट में जिस दिन एक्सपायरी आएगी उस दिन डिलीवरी ले लीजिए, और अगर आपको बीच में किसी दिन डिलीवरी चाहिए तो आप फिर स्पॉट मार्केट से खरीद लेते हैं और फ्यूचर का पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। तो ये हो गया टू स्टेप प्रोसेस। सेलिंग करना होगा तो आप सेम चीज करेंगे, मतलब अल्टरनेट कर देंगे, वाइस वर्सा में जाएंगे। हाँ, तो अब हेजिंग की दो स्ट्रेटजीज होती हैं। हेजेस कैन बी अंडरटेकिंग टू ऑफसेट प्राइस रिस्क दैट हैपेंस इन ए फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं ऑफसेट हेज। अच्छा, उसके बाद हेजेस कैन लॉक इन अट्रैक्टिव प्राइस लेवल। जब गोल्ड 57-58,000 चला गया था, अगर कोई बढ़िया गोल्ड का हेजर होगा तो उसने क्या किया होगा, 57,000 पे अपने जितने स्टॉक थे, या 57 पे नहीं बेचा होगा, 55 पे बेचा होगा, सारे स्टॉक फिजिकल में सेल कर दिए होंगे। आज गोल्ड के भाव इतने गिरे हैं फिर भी उनके पास वो प्राइस हेज हो गया होगा, क्यों? क्योंकि वो जब गिरते आया प्राइस तो उनको मिलता है, और जब अट्रैक्टिव प्राइस मिल रहा था तो उन लोगों ने ले लिया। मान लीजिए आप ज्वेलरी के बायर हैं, ठीक है, आपको आज गोल्ड 44 पे दिख रहा है, आपको लग रहा है अट्रैक्टिव लेवल है, आप आज ही बाई कर लेते हैं। अब आज बाई आप कर लेते हैं, इन फ्यूचर गोल्ड अगर 60,000 भी चला जाता है, आपने तो 44,000 अपना प्राइस लॉक कर दिया था ना, वो अब 60 जाता है तो आपको प्रॉफिट ही होना है, वही चीज़ है। अब हेजिंग थ्रू कॉल ऑप्शन, जैसे हमने फ्यूचर की बात करी वैसे ही आप कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। मान लीजिए 44,000 चल रहा है, आपको लग रहा है कि बाजार और गोल्ड का भाव और ऊपर जाएगा, तो आपने क्या किया, 44,000 का ऑप्शन बाई कर लिया, कॉल ऑप्शन बाई कर लिया। अब प्राइस जितना ऊपर जाता जाएगा कॉल ऑप्शन की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, और टुवर्ड्स द एंड जब एक्सपायरी आएगी, मान लीजिए उस समय गोल्ड 48,000 है, 44 का आपने बाई किया था, ऑप्शन का प्राइस रहेगा 4,000 रुपये, मान लीजिए ऑप्शन का प्रीमियम आपने 500 किया था, 3,500 रुपये जो आया वो नेट नेट आपका प्रॉफिट आ गया। ये हो गया हेजिंग थ्रू कॉल ऑप्शन। फीचर्स ऑफ ए कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, इट गिव्स राइट, मतलब हमने ऑप्शन में बहुत सिखाया है ये चीज, दोबारा रिपीट करने की मतलब नहीं है, बट इट गिव्स राइट नॉट ऑब्लिगेशन। तो मैं चाहूँ तो इन फ्यूचर उसको एक्सरसाइज कर सकता हूँ और मैं 44,000 पे भी ले लूँगा उसको, ठीक है। और बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंश्योरेंस खरीद रहा हूँ, अगर बाद में प्राइस बढ़ता है तो इंश्योरेंस आप लेते हैं तो एक प्रीमियम पे करते हैं, वही आपने ऑप्शन प्रीमियम पे किया है, अगर इन फ्यूचर प्राइस बढ़ जाता है तो आपको वो क्या नाम है इसका, आपको वो प्रॉफिट उसका आ जाएगा और आप हायर प्राइस पे बाजार माल से माल बाजार से खरीद पाएंगे। बट अगर प्राइस गिर जाता है तो आप चाहते ही थे ना कि प्राइस गिरे, क्योंकि आपको खरीदना है, आपको खरीदना है तो जितना सस्ता मिले उतना अच्छा है आपके लिए। अब बेनिफिट्स क्या क्या हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी प्राइस अप्रिसिएशन इन द स्पॉट मार्केट अबव द स्ट्राइक प्राइस। इसका मतलब क्या है, अगर जितना भी बढ़ता जाएगा, मानिए 44,000 का आपने लिया था, तो जितना 44,000 के ऊपर जाएगा उतना आपका प्राइस आपका बेनिफिट आता जाएगा, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जितना ज़्यादा आ गया उतना आपको पैसा आता जाएगा। और प्राइस स्पॉट मार्केट में बढ़ रहा है तो हेजिंग से जो गेन हुआ है वो आप ऑफसेट कर देंगे जो वहाँ पे फिजिकल आप खरीदे जाएंगे, तो प्राइस अगर गिर जाता है तब तो और अच्छा है ना, आप तो चाहते ही थे कि प्राइस गिरे। डिसएडवांटेजेस क्या है, आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। देखिए प्रीमियम में क्या हो गया, इंश्योरेंस जब लेते हैं तो कॉस्ट पे करते हैं, वही चीज़ हो गई, ऑप्शन आप ले रहे हैं तो प्रीमियम आपने पे किया। लॉन्ग हेज एंड शॉर्ट हेज स्ट्रेटेजी यूजिंग फ्यूचर्स। देखिए लॉन्ग हेज कैसा हो गया, इनके एग्जाम्पल से समझते हैं। ज्वेलर नीड्स टू बाई 1 kg गोल्ड एट एंड जुलाई एट 25,000 पर ग्राम टू मेक डिजायर्ड प्रॉफिट एंड मेक प्रोविजन ऑफ INR 25 lakh टू बाई 1 kg ऑफ गोल्ड। ज्वेलर को 1 kg गोल्ड लेना है जुलाई के एंड में, 2 महीने बाद, 1 जून चल रही है, जुलाई के एंड में 2 महीने बाद उनको लेना है। फ्यूचर में भी क्या चल रहा है, फ्यूचर में भी गोल्ड का प्राइस चल रहा है 25,200 पर 10 ग्राम अगस्त गोल्ड फ्यूचर। तो जुलाई एंड में एक्सपायरी है, जुलाई एंड में इनको चाहिए
और अगस्त के बिगिनिंग में एक्सपायरी होती है MCX पे, ठीक है, तो 4 या 5 तारीख को एक्सपायर होती है, आप डिलीवरी 4-5 दिन का टेंडर पीरियड रहता है उसमें आप ले सकते हैं। अब ये क्या किया, ये अगस्त का गोल्ड फ्यूचर इसने खरीद लिया, 25,210 ग्राम्स पे चल रहा था, इसने ले लिया। 30 जून को जब ये आया तो ये देखता है कि गोल्ड अभी 25,800 पे ट्रेड कर रहा है स्पॉट मार्केट में। अब ज्वेलर क्या करेगा, उसको लेना है, मान लीजिए ये 30 जून लिख रहा है बट ये इनका इंटेंशन जुलाई लिखने का है, ठीक है। अब एंड जुलाई में 25,800 रुपये चल रहे हैं फिजिकल मार्केट में, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है मेरे को 26 लाख रुपीज देने हैं, तो ये 1 kg गोल्ड के लिए ये पैसे पे कर देता है। फ्यूचर कहाँ पे चल रहा है, फ्यूचर अभी 26,000 पे चल रहा है, तो 10 ग्राम्स का उसको आया। इसको ये जो इसने सेल किया यहाँ पे पोजीशन, इसने बाई करी थी फ्यूचर में, अब इसको स्क्वायर ऑफ ये करेगा, तो अब ये जो स्क्वायर ऑफ ये कर रहे हैं 25,200 पे इसने खरीदा था, यहाँ से 800 रुपये ऊपर है, 10 ग्राम पे 800 रुपये, मतलब कि 1 kg पे 80,000 रुपये, इसको 80,000 रुपये प्रॉफिट आ गए। वो यहाँ पे इसने हायर कॉस्ट पे किया था 80,000 रुपये क्योंकि प्राइस बढ़ गया था, अब यही प्रॉफिट इसको यहाँ पे ये आ गया, तो नेट नेट इसने अपना प्राइस 25,000 रुपये लॉक ही कर लिया टेक्निकली आप देखने जाएंगे तो। देखिए ये बेस्ट केस सिनेरियो ये बता रहे हैं, बट मान लीजिए ये प्रॉफिट 76,000-78,000 भी आता बिकॉज ऑफ ब्रोकर चार्जेस, बिकॉज ऑफ एक्सचेंज चार्जेस और बाकी सारे जो गवर्नमेंट चार्जेस हैं वो सब लेने के बाद मान लीजिए 76 भी आ रहा था, तो जो 80,000 लॉस होना था उसके बदले आपका सिर्फ 4,000 ही लॉस होगा क्योंकि 76,000 यहाँ से आ गया, तो ये हो गया आपका लॉन्ग हेज। इसी तरह शॉर्ट हेज, मान लीजिए अब ये ग्वार सीड, बेसिकली दो बड़े एक्सचेंज है कमोडिटीज के इंडिया में, एक है MCX जो कि एग्री बुलियन मेटल्स और एनर्जी का प्रोडक्ट करता है, और NCDX जो कि आपका इसका प्रोडक्ट करता है एग्री का प्रोडक्ट्स। अब ये क्या कर रहे हैं, 10 टन ग्वार सीड इसको बेचना है, 5,000 पर टन इसको एस्टिमेट है कि इतना मिलना चाहिए मेरे को, सो दैट मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट है। अब ये क्या करता है, अगस्त फ्यूचर देख रहा है कि 5,050 पे चल रहा है, तो अगस्त फ्यूचर में ये सेल कर देता है। अब स्पॉट प्राइस गिर जाता है, स्पॉट प्राइस 4,950 पहुंच जाता है, तो इसको अब बेचना है, तो अब ये बेचने गया तो इसको मिला कितना, 10 टन बेचने पे इसको मिला 49,500, इसका एक्सपेक्टेशन था 50,000 आने का, इसको मिला 49,500, 500 रुपये इसका लॉस हो रहा है। बट जब ये फ्यूचर में देखता है तो फ्यूचर में तो 5,050 पे इसने किया था, तो अब ये फ्यूचर में देख रहा है तो फ्यूचर में वो रेट 5,000 चल रहा है, तो 50 रुपये गैप वहाँ पे, तो वो 5,000 रुपये का जो गैप था वो वहाँ से वो स्क्वायर ऑफ करके ले लेता है, और लास्ट में क्या होता है, फ्यूचर में उससे 500 रुपये प्रॉफिट में बनाया, और यहाँ पे जो लोअर प्राइस में उसको लोअर प्राइस मिला उसके कारण उसको 500 रुपये पे करना पड़ा, तो नेट नेट उसने 50,000 रुपये अपना प्राइस लॉक कर दिया। ये हो गई हेजिंग। अब हेज रेशियो, हेज रेशियो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ लॉट्स कॉन्ट्रैक्ट दैट अ हेजर इज रिक्वायर्ड टू बाई और सेल इन फ्यूचर मार्केट टू कवर हिज रिस्क एक्सपोजर इन फिजिकल एंड स्पॉट मार्केट। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये जो प्रोड्यूसर था यहाँ पे, इसके पास 100 टन ग्वार सीड्स है, ठीक है, और एक लॉट है आपका 10 टन का, तो इसको कितने लॉट लेने होंगे, इनको 10 लॉट लेने होंगे तब इनका फिजिकल वो हो पाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, हेज रेशियो वही लिखा है, नंबर ऑफ लॉट, मान लीजिए आपके 10 kg सोना है, ठीक है, 1 kg का गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट है MCX पे, 10 kg सोना तो 10 लॉट आपको लेना पड़ेगा, तो आप हेज कर पाएंगे, दिस इज कॉल्ड हेज रेशियो। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिखा है, कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन द स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइसेस इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन और चेंज इन स्पॉट प्राइसेस बाय स्टैंडर्ड डिविएशन एंड चेंज इन फ्यूचर प्राइसेस। अब एग्जांपल देख लेते हैं, इनके पास 50 टन एक्सपोजर है अल्मोनियम का, एंड इसको ये फ्यूचर में हेज करना चाहते हैं, फ्यूचर मार्केट में स्पॉट में चल रहा है 100 रुपया, फ्यूचर प्राइस चल रहा है 112 रुपया। अब ये हिस्टोरिकल प्राइस इन्होंने दिया है, ये देखिए ऑन एन एवरेज इस तरह का डिफरेंस रह रहा है, ठीक है। मिस्टर एक्स कैलकुलेट द हेज रेशियो एंड फाइंड दैट नंबर ऑफ लॉट्स ऑफ फ्यूचर टू बी ट्रेडेड फॉर एफिशिएंट हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट लॉट साइज इज 5 मेट्रिक टन, ठीक है। तो अब देखिए ये स्पॉट प्राइस 100 से 1 हो रहा है, तो फ्यूचर प्राइस यूजिंग कितना हो जा रहा है,
आपका 112 के बदले 114, 2 रुपये फ्यूचर में चेंज हो रहा है, राइट। इसका ये लोगों ने एवरेज निकाला, एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन आया 3.56 और फ्यूचर का स्टैंडर्ड डिविएशन एवरेज कितना आया 3.63। ये बेसिकली सारे नंबर्स का इन्होंने ये किया है, एवरेज आउट किया है और फर्स्ट नंबर जो है उससे चेंज मेजर कर रहे हैं अपना, ठीक है। 112 से 119 गया, सॉरी 114 से 119 गया था 5, 112 से 114 आया 2। ये बेसिकली डेली बेसिस का डिफरेंस ये मेजर कर रहे हैं। कोरिलेशन बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर, स्पॉट का है 3.56, फ्यूचर का 3.63, दोनों को डिवाइड करेंगे 0.93 आएगा। हेज रेशियो क्या आएगा, 0.93 इंटू चेंज इन स्पॉट बाई चेंज इन फ्यूचर, तो 0.93 इंटू 0.192, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी हेज, फिजिकल एक्सपोजर इंटू हेज रेशियो बाई लॉट साइज। लॉट साइज है 5 मेट्रिक टन का, फिजिकल एक्सपोजर था इनका 50 मेट्रिक टन का, तो हेज रेशियो कितना है 0.92, तो 9 लॉट का ये हेजिंग करेंगे तो इनका मोटा मोटी हेजिंग कंप्लीट हो जाएगा अपने प्राइस पे। अब बेनिफिट्स ऑफ हेजिंग, प्राइस रिस्क इज मिनिमाइज्ड, फैसिलिटी प्रोडक्शन बिजनेस प्लानिंग एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट कैन बी हेल्प विद हेजिंग। लिमिटेशन, प्राइस रिस्क कैन नॉट बी टोटली एलिमिनेटेड। देखिए थोड़ा बहुत एलिमिनेशन हो जाता है, मैंने जैसे बताया थोड़ा बहुत जो चार्जेस वगैरह रहता है ना वो लग जाता है, तो उसका कोई उपाय नहीं है, वो चार्जेस वगैरह आपको बियर करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 2 से 3% आप चार्जेस मान के रखिए, तो अगर आपको 80,000 रुपये का हेजिंग करना है तो उसमें 2 से 3% आप चार्जेस पकड़ के रखिए, 1600-1700 रुपये चार्जेस लगने ही लगने हैं। बेसिस रिस्क कंटिन्यूज टू रिमेन इन द सेंस कि देखिए जो भी आपके चेंजेस अदर देन प्राइस होंगे वो तो रहेंगे ही ना सिस्टम में, ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगना ही है, मार्जिन आपको एक्सचेंजेस मेंटेन करने पड़ेंगे, उसके कारण क्या होगा कैश फ्लो प्रेशर भी आता है, किसी दिन अचानक से मार्जिन इंक्रीज हो गया, वो चीज़ हो गई। अब हेजिंग इफ इट इज सिलेक्टिवली कैरीड आउट इन फ्यू पोजिशन बेस्ड ऑन वन व्यू एंड नॉट ऑन अदर पोजिशन, इट मे रिजल्ट इन हेजिंग ट्रांजेक्शन लैग इटसेल्फ एंड रिजल्ट इन लॉसेज। अगर मान लीजिए आपके पास फिजिकल गोल्ड के हिसाब से आपने हेजिंग करी और आपके पास जो ऑब्लिगेशन हैं गोल्ड बेचने के, ठीक है, वो ना मीट करके आपने पहले इसको स्पॉट फ्यूचर में ही बेचना ज़्यादा बेटर समझा, तो होगा क्या उसमें कि जो आज आपको बेचने हैं एक्चुअल वो आप नहीं बेच पाएंगे और आपने फ्यूचर में अपना एक लाइबिलिटी खड़ा कर दिया, तो आज का आप पहले बेचोगे तब ना बाद में बेचोगे, वो चीज़ ही हो जाता है। तो आपको हर पोजीशन का मतलब अगर आज आपको सेल करना है तो उतना ही लॉट आपको बाई भी करना होगा फ्यूचर में, और जो फ्यूचर में बाई करना है उसके हिसाब से आज आपको सेल भी करना होगा, तब आप एक्चुअल एफिशियंट हेजिंग कर पाओगे। इसके बाद आता है यूज ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव में स्पेकुलेशन। बेसिकली स्पेकुलेशन कौन करता है, जो 99% ऑफ इंडियन मार्केट में होता है। बेसिकली क्या करते हैं वो लोग, मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन है तो उसके कारण वो लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग पोजीशन लेते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट करते हैं और उसके हिसाब से जो प्रॉफिट आता है अपना लेके चले जाते हैं। ये हो गया आपका स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन में समझाने की कोई चीज़ नहीं है, स्पेकुलेशन बेसिकली ये हुआ कि अगर आपको लगता है कि आज इसका प्राइस बढ़ने वाला है आपने खरीद लिया, आपका दूर दूर तक गोल्ड से कोई रिलेशन नहीं है, आपका दूर दूर तक अल्मोनियम से कोई रिलेशन नहीं है, आपको लगता है आज प्राइस बढ़ेगा आपने खरीदा, शाम को प्राइस बढ़ गया आपने सेल किया, आप प्रॉफिट लेके घर चले गए, ये हो गया स्पेकुलेटर। आपने लॉन्ग पोजीशन लिया मतलब बाई साइड का पोजीशन लिया तो आपने लॉन्ग पोजीशन लिया, सेल साइड का पोजीशन लिया तो आपने शॉर्ट पोजीशन लिया। यूजिंग ऑप्शंस फॉर स्पेकुलेटिव ट्रेड, अगेन फ्यूचर में आपको फ्यूचर बाई सेल करना पड़ता है, ऑप्शन में आपको ऑप्शन बाई सेल करना पड़ता है। ऑप्शन के लिए हमने जो आपको चार्ट दिखाया था थर्ड चैप्टर में, वो ध्यान रखिएगा, दो तरह से पोजीशन ले सकते हैं। अगर आप लॉन्ग साइड पे हैं तो या तो आप कॉल बाई कर लीजिए या पुट सेल कर दीजिए, और अगर आप शॉर्ट साइड पे हैं तो आप या तो पुट बाई कर लीजिए या और कॉल सेल कर दीजिए। ये हो गया। ऑप्शन बायर क्या करता है, पे करता है प्रीमियम, पुट ऑप्शन में भी प्रीमियम वही पे करता है, ऑप्शन सेलर को प्रीमियम मिलता है, सिंपल है। अब ऑप्शन स्ट्रेटजीज फॉर कमोडिटी बायर्स, कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, अगर आपको राइजिंग मार्केट लगता है तो आप कॉल बाई करेंगे सो दैट आपका
कॉल का प्राइस बढ़ते रहे, या फिर पुट सेल करेंगे, जो कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, पुट सेल करेंगे, जिससे क्या होगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते रहेगा पुट की वैल्यू यूज होते रहेगी, वो प्राइस वो प्रीमियम आपको आ जाएगा। और कमोडिटी के सेलर्स के लिए पुट बाई करेंगे आप, सो दैट फॉलिंग प्राइस अगर हो रहा है तो उसमें आपको हेज मिले, और कॉल सेल करेंगे सो दैट मान लीजिए प्राइस अगर बढ़ने लगा तो आप क्या करेंगे कि अपना सॉरी कॉल सेल करेंगे ताकि प्राइस अगर गिरने लगे तो कॉल की वैल्यू जीरो हो जाए, वो प्रॉफिट आप ले लें। आर्बिट्राज, देखिए आर्बिट्राज बेसिकली क्या होता है, प्राइसिंग डिस्कवरी होती रहती है मार्केट में, ठीक है, कभी भी प्राइसिंग ना परफेक्ट नहीं होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। आर्बिट्राज वाले क्या करते हैं कि उनको प्राइसिंग मिसमैच जो लगता है उसको वो खाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए स्पॉट में अभी रेट चल रहा है 44,100 और फ्यूचर में अभी रेट चल रहा है 44,130, 30 रुपये का डिफरेंस है, और मान लीजिए एक्सपायरी बस ये 5 मिनट बाद होने वाली है, तो ये जो डिफरेंस है ना ये कम होना चाहिए, राइट। तो वो क्या करेंगे, स्पॉट में उन्होंने बाई किया, फ्यूचर में उन्होंने सेल किया, जैसे ही एक्सपायरी के समय आया या तो फ्यूचर का प्राइस गिर जाएगा या स्पॉट का प्राइस बढ़ जाएगा, दोनों आके एक जगह कन्वर्ज कर जाएंगे, दोनों साइड का प्रॉफिट उन्होंने ले लिया। यही होता है स्पॉट वर्सेस फ्यूचर का आर्बिट्राज। कैश एंड कैरी आर्बिट्राज बेसिकली क्या हुआ, फिजिकल कमोडिटी आप खरीदते हैं बोरोड फंड से एंड फ्यूचर में इसको बेच देते हैं, ठीक है, आपके पैसे लगे, आपने बाई किया और फ्यूचर में उसको ज़्यादा प्राइस पे बेच दिया, बीच का जो डिफरेंस आया वो आपने खा लिया, और जब एक्सपायरी आई तो आपने फिजिकल कमोडिटी डिलीवर कर दी, ये जो बीच का डिफरेंस आया प्राइस वो आपने ले लिया। अब क्या एग्जांपल देख लीजिए इसका, मिस्टर एक्स बाइज 30 केजी ऑफ गोल्ड एट ए स्पॉट प्राइस ऑफ 10,000 पर केजी बाई बोरोइंग 3 लाख रुपीज एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 मंथ्स, ठीक है, तो 2 महीने के लिए इसको इंटरेस्ट पे करना है। ही सेल्स जुलाई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट 10,300 पर केजी, तो अब ये जुलाई का जो बेच रहा है ये 3,09,000 में बेच रहा है, तो 9,000 रुपये इसको डायरेक्ट प्रॉफिट आया, और ये जो बोरो किया था इसने 3 लाख रुपए, इस पर साल का रफली आपका 2 महीने का कितना इंटरेस्ट बनेगा, 2 महीने का इंटरेस्ट इसका बनेगा रफली 5,000 रुपये यहाँ लिखा है, तो चलिए 5,000 ही मान लेते हैं, पता नहीं कैसे कैलकुलेट किया है लोगों ने, तो 5,000 रुपये ये इंटरेस्ट पे कर देते हैं। अब इसको इस कैश एंड कैरी आर्बिट्राइज के कारण क्या हुआ, 4,000 का प्रॉफिट आ गया। यही चीज़ हो गई कैश एंड कैरी, और इसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में ब्याज बदला बोलते हैं, ब्याज बदला के नाम से आप बेटर समझ पाएंगे रेदर देन कैश एंड कैरी से। अब ब्याज बदला एग्री मार्केट में बहुत पॉपुलर है, गोल्ड सिल्वर में तो नहीं है लेकिन एग्री मार्केट में बहुत पॉपुलर है। रिवर्स कैश एंड कैरी सेम चीज को ऑपोजिट कर दीजिए, आपने कोई चीज अगर ये क्या नाम है आपके पास ऑलरेडी है, तो आपने क्या किया उसको, आपने देखा कि फ्यूचर में प्राइस ज़्यादा है तो आपने उसको बेच दिया, और जब फ्यूचर के पास आया अगर प्राइस कम हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आपने उसको डिलीवर कर दिया। यही चीज़ हो गई। अब एग्जांपल देख लेते हैं, ही सेल्स 30 केजी इन स्पॉट मार्केट एट 40,500 एंड साइमल्टेनियसली बाई मे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट 40,600, 100 रुपये का डिफरेंस इसको यहाँ दिख रहा है। अब ये जो सेल प्रॉफिट आया 12,15,000 का, 10% 2 महीने के लिए इसने बैंक में रख दिया। अब क्या होगा, जैसे ही ये पैसे निकलेंगे तो ये इसको क्या मिल रहा है, इसको 20,000 रुपये इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है, कितना रुपये इसने इन्वेस्ट किया था इतना। अब मान लीजिए ये जो अब ये देख रहा है फिजिकल, अब इसको खरीदना था तो 4,600 पे इसने फ्यूचर बाई करके रखा था, इसी प्राइस पे अब इसको एग्जीक्यूट करना है, 100 रुपये जो डिफरेंस है 30 केजी के कॉन्ट्रैक्ट में इसको 100 रुपये करके पड़ेगा, तो रफली कितना 1,000 रुपये आ रहा है, 3,000 रुपये आ रहा है, तो 3,000 रुपये इसका हो गया बेसिकली लॉस बिकॉज ऑफ द स्पॉट एंड फ्यूचर का डिफरेंस, बट इसको इंटरेस्ट कितना मिला, 20,000 रुपये इंटरेस्ट मिला, तो उसमें 3,000 गया, तो 17,000 रुपये इसको प्रॉफिट आ गया। ये हो गया रिवर्स कैश एंड कैरी। अब स्प्रेड ट्रेडिंग, देखिए स्प्रेड ट्रेडिंग क्या हो गई, मान लीजिए नियर मंथ और नेक्स्ट मंथ के बीच में जो डिफरेंस रहेगा ना उसको ट्रेड करने को बोलते हैं स्प्रेड ट्रेडिंग। मान लीजिए अप्रैल में एक्सपायरी है, अप्रैल एक्सपायरी का मान लीजिए 40,000
₹400 पे चल रहा है, और जो आपका मे एक्सपायरी है वो आपका चल रहा है 40,600 पे। तो बीच में जो ₹200 का डिफरेंस है ना, इस पर ट्रेड अगर आप करते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्प्रेड ट्रेडिंग, क्योंकि ये स्प्रेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे कम होते जाता है। जब ये स्प्रेड कम होते जाएगा उसको बोलते हैं स्प्रेड ट्रेडिंग। इसमें हाँ नेक्स्ट मंथ है नियर मंथ के बीच में ही होता है, और जैसे जैसे टाइम कम होते जाता है आपने बेसिकली क्या किया, मान लीजिए नियर मंथ पे आज आप हैं, ठीक है, नियर मंथ पे आपने बाई कर लिया, फार्म नेक्स्ट मंथ में आपने बेच दिया। तो जब आपने नियर मंथ में बाई किया, मान लीजिए या तो इसका प्राइस बढ़ेगा, इसका प्राइस बढ़ते जाएगा, बट वो जो नेक्स्ट मंथ का प्राइस बढ़ रहा होगा वो उतना पेस में नहीं बढ़ रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे डिफरेंस टाइम कम होते जाता है ना, तो टाइम वैल्यू जो इन दोनों फ्यूचर के बीच में है वो कम होते जाएगा। यही इसी चीज़ को बोलेंगे स्प्रेड ट्रेडिंग। बाइंग स्प्रेड मतलब बाई करके आपने स्प्रेड स्ट्रेटेजी लगाई, ठीक है, इट मीन्स बाइंग ए नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट एंड सेलिंग ए फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हमने अप्रैल खरीद लिया, मे का बेच दिया, तो ये हमारा स्प्रेड हो गया। और सेलिंग आपने सेल नियर मंथ का कर दिया, फार मंथ का बाई कर दिया। ये व्यू कब होता है, जब आपको लगता है कि जब फार मंथ वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो अंडर प्राइस है, क्योंकि आप जब बाई करते हैं आप चाहते हैं उसका प्राइस बढ़ जाए, और पहले वाले में क्या था, आपको लगता था ओवर प्राइस है, इसका मतलब जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, इसलिए आपने उसको बाई किया था, अब इसको आप सेल कर रहे हो, ये हो गया स्प्रेड। अब ये इंटर कमोडिटी स्प्रेड, देखिए इंटर कमोडिटी स्प्रेड मैंने प्रैक्टिकल मार्केट में आज तक सिर्फ वारगम और वार्ड स्ट्रीट में देखा है। कुछ लोग सोयाबीन का उतना पॉपुलर नहीं है, वारगम वार्ड स्ट्रीट में होता है, कपास और कॉटन में होता है। हाउएवर कपास और कॉटन में उतना वॉल्यूम नहीं है, ग्वारगम ग्वार सीड में बहुत वॉल्यूम है। एनसीडीएक्स के ट्रेडिंग का ऑलमोस्ट 60% यही दो प्रोडक्ट है, तो ये दोनों के बीच में हेजिंग होती है। एक हो गया ग्वारगम जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, ग्वार सीड जो उसका रॉ मटेरियल है। अब ये पोजिशन जो है ना आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसमें मुझे समझाने का कुछ है नहीं, बट बेसिकली क्या है कि जो भी अंडरलाइंग प्रोडक्ट बनने वाला रहता है ना, अंडरलाइंग प्रोडक्ट जब बनता है तो उसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसके प्राइसेस उसके हार्वेस्टिंग सीजन के समय सबसे कम हो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जब उसका हार्वेस्ट हो रहा होगा, जब उसकी कटाई हो रही होगी, तो वो प्रोडक्ट एम्पल अमाउंट में अवेलेबल होगा, उस समय उसकी प्राइस घट बहुत जल्दी गिरेगी, लेकिन उसके जो एंड प्रोडक्ट हैं उसका प्राइस बढ़ा हुआ रहेगा, राइट। तो वो बीच में जो स्प्रेड रहता है ना उसको खाने को बोलते हैं अपने कमोडिटी स्प्रेड। ग्वारगम ग्वार सीड में बहुत ज़्यादा होता है, सोयाबीन सीड्स और सोयाबीन ऑयल में थोड़ा बहुत या ना के बराबर है, कपास और कॉटन में ज़्यादा है। इंट्रा कमोडिटी स्प्रेड बनाने का देखिए आप जितना चाहें उतना स्प्रेड बना लें, इसका कोई प्रूवन मेथड नहीं है, ठीक है, ये बेसिकली इसको अलग नाम देने का क्या जरूरत था। अप्रैल गोल्ड और जून गोल्ड के बीच में अगर आप कर रहे हैं तो इसको आप मंथली हेज स्प्रेड स्ट्रेटजी ही बोल दीजिए, बट इन लोगों ने बनाया है ऐसा ऑप्शंस, ठीक है। अच्छा, स्प्रेड ट्रेडिंग में ना लोअर मार्जिन लगता है, क्यों, क्योंकि एक आपका बाई पोजीशन है एक आपका सेल पोजीशन है, तो जनरली एक्सचेंजेस भी उसका बेनिफिट देते हैं। और अगर कोई भी ट्रेंड रहे, अगर बाई सेल पोजीशन दोनों आपका है, तो खाली आपका गैप जो है ना मैक्सिमम वही लॉस हो सकता है, इसीलिए क्या होता है वॉलेटिलिटी भी आपकी एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। और 75% तक भी इनिशियल मार्जिन पे बेनिफिट होता है कुछ कुछ कमोडिटी में, अगर स्प्रेड पे आप ट्रेड कर रहे हैं तो। बेसिस बेसिकली स्पॉट और फ्यूचर के बीच में डिफरेंस जो होता है उसको बोलते हैं बेसिस। बेसिस रिस्क किसको बोलते हैं, मान लीजिए एक्सपायरी के पास आप पहुंच गए हैं फिर भी प्राइस कन्वर्ज नहीं किए, ₹10 का डिफरेंस रह गया गोल्ड के प्राइस में, वो होता है बेसिस रिस्क। नेगेटिव बेसिस यानी कि मान लीजिए फ्यूचर प्राइस बढ़ा हुआ है स्पॉट प्राइस कम है, ठीक है, तो वो हो गया कॉन्टैंगो मार्केट का नेगेटिव बेसिस। और बैकवर्डेशन, जब मैंने कमोडिटी फ्यूचर्स पढ़ाया था उसमें कॉन्टैंगो बैकवर्डेशन दोनों पढ़ाया था, तो उसमें क्या हो गया कि आपका फ्यूचर का प्राइस कम है स्पॉट प्राइस ज़्यादा है, इसीलिए जो डिफरेंस आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, इज कॉल्ड बैकवर्डेशन। तो बैकवर्डेशन और वो हमने यहाँ पर दिखाया भी था, मैं आपको दिखा देता हूँ।
कॉन्टैंगो में क्या है, फ्यूचर प्राइस ज़्यादा है, धीरे धीरे वो कन्वर्ज होके मीट करेगा, दिस इज कॉल्ड कॉन्टैंगो। और इसको अगर नीचे हम जाएँ तो इसी में बैकवर्डेशन भी है। बैकवर्डेशन में क्या है, स्पॉट प्राइस ज़्यादा है, फ्यूचर प्राइस कम है, धीरे धीरे जाके दोनों कन्वर्ज कर गए, दिस इज कॉल्ड बैकवर्डेशन। लॉन्ग है शॉर्ट है हमने देख ही लिया है, ठीक है, ये थ्योरी है, पढ़ लीजिएगा। अब ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मैं अलग से नहीं पढ़ाना प्रेफर करूंगा, हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की एक डेडिकेटेड वीडियो है, ऑल्दो वो इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट आप उसको देखिएगा, कंटेंट सेम है। तो अब मैं वापस 40 मिनट जबरदस्ती इसको पढ़ाऊँ ये कोई सेंस बनता नहीं है, वो 40 मिनट उसी वीडियो को आप देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आई बटन में लिंक डाल देता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। कवर्ड शॉर्ट कॉल, कवर्ड शॉर्ट पुट, स्प्रेड ट्रेडिंग, वर्टिकल स्प्रेड, सब उसमें सब बताया हुआ है, ठीक है, आप बस देखिएगा उसको, आपको क्लियर समझ में आएगा। अगर फिर भी कुछ लगता है तो आपको हम लोग बता देंगे। शैडल्स, ट्रायंगल्स सबकी वीडियोज हैं वहाँ पे, आप आराम से देखिए, एक ही सिंगल वीडियो उसमें सब कुछ कवर्ड है, उसको देखिए। मेरे हिसाब से लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, लॉन्ग स्ट्रैंगल सब बताए हुए हैं वहाँ पे, आप उसी वीडियो को देखिएगा, मेरे हिसाब से वही देखना ज़्यादा बेटर होगा और उसी से हम अपने उसको कवर कर लेंगे। अननेसेसरी इसको और लंबा करके मतलब नहीं है इस वीडियो को, चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं।